तो यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए कल मतदान होने जा रहा है, यानी 4 मई को पहला मतदान। आज पोलिंग पार्टियां बूथ के लिए रवाना होने वाली है। कल 37 जिले के 10 नगर निगम में वोट डाले जाएंगे, 104 नगर पालिका है और यहां पर 276 नगर पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। कल सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हो जाएगी। कुल 37 जिलों के 10 नगर निगम में वोट डाल जाने हैं। नगर निगम में ईवीएम के माध्यम से वोट डालेगा तो वहीं 104 नगर पालिका, 276 नगर पंचायतों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होने वाला है। और इसी के साथ कल यहां पर तमाम प्रत्याशियों के दिग्गजों की किस्मत का फैसला जो है वो ईवीएम में बैलेट पेपर में कैद हो जाएगा। तो आपको बता दें कि क्योंकि कल पहले चरण का मतदान होने जा रहा है, मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। निकाय के पहले चरण का कल चुनाव होने जा रहा है, यहां पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल ईवीएम में बैलेट पेपर में कैद हो जाएगा, क्योंकि पहले चरण का मतदान कल है, दूसरे चरण का 11 मई को होने वाला है और 13 मई को रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। यानी कि कल आपको बता दें 10 मंडलों के 37 जिलों में मतदान होने वाला है, 10 मंडल है, 37 जिले हैं। बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होने वाली है, तो बूथ पहुंचने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। वहीं कड़ी सुरक्षा में कल वोट डाले जाने हैं, इसके लिए कड़ी व्यवस्था की गई है, सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होना है। कल पहले चरण का मतदान, इसको लेकर की कड़ी सुरक्षा की गई है, कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत होगी। निगमों में ईवीएम से वोट डाले जाने हैं, 10 नगर निगमों में वोट डाले जाने हैं ईवीएम की मदद से। नगर पालिका परिषद में भी ईवीएम से चुनाव होने जा रखा है। आपको जानकारी पूरी हम दे रहे हैं किस तरीके से कल मतदान होना है, क्या क्या इस्तेमाल हो रहे हैं। नगर पंचायत में बैलेट से मतदान होने वाला है। नगर पंचायत की बात की जाए, नगर पंचायत में बैलेट से मतदान होगा। वही निकाय के पहले चरण का कल चुनाव होने जा रहा है और कल सभी जो आम जनता है वो अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रही है। 10 मंडलों के 37 जिलों में मतदान कल होने वाला है। इस खबर पर झांसी से संवाददाता रतीश द्विवेदी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रतीश का रुख करते हैं, वहीं पर मेरे साथ इस खबर पर वाराणसी से संवाददाता नवीन पांडे भी बने हुए हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय जानकारी देंगे, लखनऊ से विवेक त्रिपाठी बताएंगे कि किस तरीके की तैयारी देख रहे हैं, क्योंकि कल पहले चरण का मतदान। लखनऊ का रुख करते हैं, विवेक त्रिपाठी वहां पर मौजूद है। विवेक, आप क्या देख रहे हैं, कितनी तैयारियां की गई हैं और किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं कल के मतदान को लेकर? बिल्कुल पूजा, मैं अपने दर्शकों को नज़ारा दिखा दूं। स्मृति उपवन में हूं, जहां पर हर साल हर बार सारे चुनाव जो भी होते हैं, चूंकि साल में एक चुनाव तो होता ही होता है, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, पंचायत हो या नगर निकाय हो, तो यहां पर हर साल इसी तरह से मेला सस्ता है। आपको नज़ारा दिखाते हैं चारों तरफ, ये बहुत बड़ा स्मृति उपवन है और चारों तरफ अलग अलग जो सेक्टर और जोन में बांट कर यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। एक तरफ जो बाईं तरफ हमारे देख रहे हैं, वो बाईं तरफ पार्किंग है, यहाँ पर जो पोलिंग पार्टियाँ लेकर बसें आ रही हैं उनको खड़ा किया गया है। सभी बसों को सेक्टर वाइज खड़ा किया गया है और सबके जो स्थान है वो चिन्हित हैं पहले से ही। और दूसरी तरफ यानी इस तरफ एक सड़क के दूसरी तरफ ये जो बने हुए हैं शेल्टर, वहाँ पर काउंटिंग होगी, वोटिंग होगी, वोट डाले जाएंगे और कल की पूरी तैयारियाँ हैं। पोलिंग पार्टियाँ आना शुरू हो चुकी हैं, सभी अलग अलग जोन में अलग अलग सेक्टर बनाए गए हैं। एक जोन, जैसे ये जोन 4 का हमारे सामने ठीक पंडाल दिख रहा है, उसमें पुलिस के अधिकारियों के बैठने के इंतजाम अलग हैं, प्रशासन के अधिकारियों के जो निर्वाचन अधिकारी हैं, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, उनके बैठने के इंतजाम अलग हैं। और एक सामने उपस्थिति के लिए वो लिखा हुआ है, जो भी आएगा, जो भी पोलिंग पार्टी आएगी वो वहां पर सबसे पहले अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। और एक और बैनर दिखा देते हैं, बोर्ड दिखा देते हैं, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसीलिए ये जो पुलिस अधिकारी हैं इनके पास सारी लिस्ट है और लिस्ट देखकर सभी को गाइड कर रहे हैं कहाँ जाना है। एक ये लिस्ट लगी हुई है, पार्टी कोड लगे हुए हैं, जोन लगे हुए हैं, तो ये जोन 4 का है जिसमें लिखा हुआ है पार्टी कोड, पीएस नंबर, टेबल नंबर, सब एक एक नंबर लिखे हुए हैं। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो अपने नंबर देखते हैं, जगह देखते हैं, यानी कोई भी अव्यवस्था ना हो किसी को, इसीलिए इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं कि कोई भटके ना, इधर उधर परेशान ना हो। हालांकि जो लोग ऐसे हैं जो भटक रहे हैं, जिनको कन्फ्यूज़न हो रहा है, वो यहाँ पर अधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करके, उनसे अपना जो पर्चियाँ हैं नंबर दिखा के, वो सारे एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।